हेलो एवरीवन, स्कैल्पिंग सीरीज के एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। सो मैं इस वीडियो में आप लोगों को लाइव स्कैल्पिंग करके दिखाने वाला हूँ निफ्टी 50 में, क्योंकि मैंने जितने भी प्रैक्टिसेस किए हैं, जितने भी मैंने बैक टेस्ट किया अपने स्ट्रेटजी का, वो मैंने निफ्टी 50 में किया है। इसीलिए मैं बैंक निफ्टी में उतना ट्रेड नहीं करता हूँ। कभी जब भी अगर उतना हमारा सेटअप अच्छा मिल जाता है बैंक निफ्टी, तो मैं ट्रेड कर लेता हूँ, वरना मैं निफ्टी 50 में ट्रेड करना पसंद करता हूँ। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इस स्कैल्पिंग सीरीज के नए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पे पिन बार कैंडल बन चुकी है, यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकती है। ओके, सो मैं स्कैल्पर मोड ऑन कर देता हूँ छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। ओके सो यहाँ पे एंट्री बन चुका है गाइस, देखता हूँ यहाँ पे कैसा मूव करती है गाइस मार्केट। स्टॉप लॉस हमारा छोटा सा है इस कैंडल के लो का, देखता हूँ यहाँ पे कैसा मूव करती है। स्टॉप लॉस को मैं यहाँ पे गैप देकर लगाता हूँ। अगर यहाँ से मार्केट गिरेगी ना काफ़ी तेज़ी से, डाउन साइड को गिर सकती है गाइस। ओके सो यहाँ पे वेट करेंगे कैसा मूव करती है। 125 रुपये का अप्रोक्स यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ओके 200, ओके 300, मैनुअली यहाँ पे एग्जिट करना चाहूँगा। ओके तो हमारा छोटा सा यहाँ पे गाइस, यहाँ पे स्कैल्पिंग था हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मार्केट हायर हाई क्रिएट कर रही थी, और यहाँ से जहाँ से ओपन हुई थी वहाँ से रिजेक्शन यहाँ पे फेस कर रही थी गाइस, और मैंने यहाँ पे क्विक स्कैल्पिंग किया और यहाँ पे हमारा 367 रुपये के अप्रोक्स यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था, और बहुत दिन के बाद हमारा फर्स्ट ट्रेड में यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। आप लोग देख सकते हो मैंने क्विक स्कैल्पिंग यहाँ पे किया था गाइस, और यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन फेस कर रही है। हो सकता है अभी यहाँ से अभी मार्केट और गिरे डाउन साइड की ओर, या यहाँ से सपोर्ट भी ले सकती है। ओके तो ये वाला जिस तरह का कैंडल बना है ना, उस हिसाब से मार्केट तो डाउन साइड यहाँ पे फॉल करेगी। वेट करता हूँ यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था। ओके सो यहाँ पे लगता है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बनाने लगी है कॉल साइड में, तो यहाँ पे मैं कॉल का प्रीमियम यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ 24,100, 24,000, ओके 24,150 का। ओके ओके सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ से सपोर्ट दिखा रही है, और यहाँ से मूव आ सकता है। तो यहाँ पे मैं स्कैल्पर मोड को ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कॉल साइड में जाना चाहूँगा। ओके सो देखता हूँ कैसा यहाँ पे मूव करती है गाइस। ओके सो यहाँ पे हमारा एंट्री बन चुका है, स्टॉप लॉस रहेगा इसी कैंडल के लो का। देखता हूँ यहाँ से कैसा बिहेव करती है, स्टॉप लॉस खाती है हमारा टारगेट देती है। यहाँ से तो सपोर्ट मार्केट दिखा रही है गाइज, और स्टॉप लॉस बिल्कुल हमारा छोटा सा है। सो यहाँ पे रिजेक्शन भी ले चुकी है गाइज, यहाँ से ग्रीन कैंडल भी है, और ये मेरे को ऊपर निकलने की कोशिश हो रही है गाइज। अभी देख सकते हैं इसमें 100 रुपये का अप्रोक्स यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। ओके सो यहाँ पे वेट करेंगे। ओके ओके गाइज 127 रुपये, ओके 100 रुपये के अप्रोक्स यहाँ पे हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो चुका है। ये हमारा दूसरा स्कैल्पिंग था, टोटल प्रॉफिट हमारा 417 रुपये के अप्रोक्स यहाँ पे हो चुका है। सो मार्केट गाइज काफ़ी ट्रैपी है यहाँ पे, कोई भी वन साइड यहाँ पे मूव नहीं आ रहा है। सो हमने यहाँ पे दो ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ओके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट अभी अपसाइड यहाँ पे मूव कर रही है। कितने कितना छोटा हमारा स्टॉप लॉस था, 5 पॉइंट का हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस था गाइस। आप लोग देख सकते हो मार्केट अपसाइड जा रही है। यहाँ पे वेट मैंने नहीं किया गाइस, अगर वेट करता तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा टारगेट यहाँ पे मिल सकता था। सो देखता हूँ यहाँ पे मार्केट कैसा यहाँ पे मूव करती है। सो मार्केट जहाँ पे ओपन हुई थी ना वहीं पर, ओ माई गॉड, काफ़ी बड़ा स्पाइक गाइस यहाँ पे दे चुकी है मार्केट। अभी यहाँ पे वेट करता तो यहाँ पे 14-15 रुपये का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट मिलता है गाइज। यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया तुरंत, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रही थी, हो सकता था यहाँ से डाउन साइड यहाँ पे आती, हमारा साइकोलॉजी अच्छा था, मगर यहाँ पे मैंने वेट नहीं किया गाइज। काफ़ी बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता हमारा। सो दो ट्रेड यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है, टोटल प्रॉफिट हमारा 417 रुपये के अप्रोक्स यहाँ पे हो चुका है। तो टोटल में हमारा यहाँ पे तीन। ओके दोस्तों तो ये मेरा तीसरा ट्रेड रहेगा यहाँ पे। आप लोग देख सकते हो ईएमए के पास यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है कैंडल। अगर यहाँ पे एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल मिलता है ना, तो मैं छोटे से स्टॉप लॉस में यहाँ पे एंट्री लेना चाहूँगा। ओके सो 3 मिनट के टाइम फ्रेम का यह चार्ट है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ। ओके 3 मिनट पे ही रहने देता हूँ। ओके अगर यहाँ तो यहाँ पे मैं कॉल साइड के यहाँ प्रीमियम का यहाँ पे चार्ट खोल ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मूव आएगा तो काफ़ी तेज़ी से आएगा यहाँ से, और इन द मनी का मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ चार्ट। ओके मैंने यहाँ पे कॉल का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया गाइज। तो चलिए यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, स्कैल्पर मूड, काफ़ी ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है गाइज मार्केट। चलिए तो मैं यहाँ पे एंट्री बना लिया हूँ गाइज। इसके लो का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस है, मेरा लास्ट ट्रेड रहेगा गाइज। आप लोग देख सकते हो मार्केट यहाँ से अपसाइड निकलने की कोशिश कर रही है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखता हूँ यहाँ पे कैसा मूव देती है गाइज मार्केट, हमारा स्टॉप लॉस खाती है टारगेट देती है। ओके अब यहाँ पे मूव तो आ रहा है गाइज, 81 रुपये के अप्रोक्स यहाँ पे अपना प्रॉफिट चल रहा है। ओके मूव 70 रुपये,
स्टॉप लॉस हमारा छोटा सा है गाइज, एकदम छोटा सा, और ये मेरा लास्ट ट्रेड रहेगा, और इसके बाद मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूँगा गाइज। यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे कैंडल का क्लोजिंग हुआ है गाइज, और मार्केट अपसाइड निकलने का यहाँ पे कोशिश कर रही है। अगर निकलेगी तो काफ़ी फास्ट निकलेगी यहाँ से गाइज, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे प्रीमियम हमारा साथ नहीं दे रही है, यहाँ पे प्रीमियम डीके हो रहा है कंटिन्यूसली गाइज, आप लोग देख सकते हो। देखता हूँ कैसा मूव करती है गाइज यहाँ पे मार्केट। यहाँ पे शॉर्ट लॉन्ग लगा देता हूँ गाइज मैं, यहाँ पे हमारा एंट्री है, और यहाँ पे हमारा एंट्री है, टारगेट है हमारा 1:4 का, तो ज़्यादा टारगेट यहाँ पे मैं नहीं लूँगा, 4 का यहाँ पे टारगेट है गाइज। ओके, 200 200 के अप्रोक्स यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है गाइज, आप लोग देख सकते हो। स्टॉप लॉस को मैं कट कर दिया हूँ मैनुअली, यहाँ पे एग्जिट करने की कोशिश करूँगा, स्टॉप लॉस को मैं सिस्टम पे डाल देता हूँ गाइज। ओके, 200 के अप्रोक्स यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा था। ओके, फाइनली हमने बुक कर लिया गाइज। यहाँ पे काफ़ी क्विक स्कैल्पिंग था गाइज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, टोटल प्रॉफिट हमारा यहाँ पे 621 रुपये का हो चुका है गाइज, आप लोग देख सकते हो। मेरा यहाँ पे 3 ट्रेड मैंने किया, और तीनों ट्रेड में हमारा यहाँ पे 1 को में यहाँ पे टारगेट हिट हुआ गाइज, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से मार्केट रिवर्स लेने लगी है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करने लगे गाइज, और यहाँ पे प्रीमियम डी के यहाँ पे फेस करने को मिल रहा है गाइज। ओके, सो कैसा लगा आप लोग का स्कैल्पिंग वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे में, और मैं किस तरह से यहाँ पे किस सेटअप यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट यहाँ पे पुल बैक ली थी, आप लोग देख सकते हो। ओके, अब ये वाला कैंडल काफ़ी अच्छा बना था गाइज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ईएमए का सपोर्ट लेकर, तो एक्सपेक्टेशन था कि एक और कैंडल यहाँ पे अच्छा बने, आप लोग देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे कैंडल बन रही है। अभी और मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन हम लोग स्कैल्प कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते हैं। ओके।